हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग कैसे हो। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ और इस वक्त मैं हूँ चंडीगढ़ में। सॉरी, इतने दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, मैं थोड़ा बिजी भी था, कुछ दिनों बिजी था, फिर मेरा रूटीन ही छूट गया व्लॉग बनाने का। तो फिर अगर एक बार रूटीन छूट जाए फिर बनाने का मन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा कि चलो आज बना देता हूँ व्लॉग। और आज जो है सैटरडे है, डेट आज 13 अगस्त है और मैं हूँ इस वक्त चंडीगढ़ खरड़ में। मैं आया हूँ दीदी के ससुराल, रचना दीदी के ससुराल। फर्स्ट टाइम मैं इनके ससुराल आया हूँ। मैं पिछले कल फ्राइडे को आ गया था क्योंकि मुझे छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन की छुट्टी थी। तो फिर दीदी ने कहा कि इधर आ जा मेरे पास, फिर छुट्टी तो है। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया और इस वक्त सुबह के जो है 8:30 बज रहे हैं और मैं 8:10:15 कुछ ऐसे उठा था। पता नहीं बाकी दीदी उठे होंगे कि नहीं उठे होंगे, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो उठ गया हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत है। दीदी का पता नहीं मुझे कि उठे हैं कि नहीं उठे। और इस वक्त गुड मॉर्निंग, कब का आप कब उठे? नहीं, मैं तो उठ गया, तो हम सोए 3 बजे। 3 बजे सोए आप? 5 बजे। गुड मॉर्निंग। नींद आई अच्छी? बढ़िया बढ़िया। सपने में तो नहीं आई वो? नहीं। भूतनी भूतनी नेटफ्लिक्स सुबह सुबह है बैठी। अभी जो है एनिमेटेड मूवी लगा दी है सुबह सुबह देखने के लिए। अब मैं इसको बैठ के आराम से देखूंगा। किस किसने देखी है ये वाली मूवी? द सी बीस्ट। मैं जब से आया हूँ कल से, कल मैं आई थिंक 5:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। उसके बाद से मैंने 3 मूवी देख ली रात में, मतलब हम सब ने बैठ के देख ली थी। सबसे पहले हमने एक सीरीज़ देखी, उसके बाद हमने एक एनिमेटेड मूवी देखी, उसके बाद हमने एक रात को हॉरर मूवी देखी। रात को 2 बजे तक हम लोगों ने मूवी देखी है, 2 बजे के बाद हम लोग सोए हैं तब तक मूवी देख। रात को लास्ट मूवी हमने हॉरर मूवी देखी अंधेरे में, दानन। काफ़ी मज़ा आ गया। तो अभी सुबह फिर से मूवी लगा दी है और दीदी वगैरह परांठे बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आलू के परांठे बना रहे हैं। तो फिर मूवी देख देखते आलू के परांठे भी खाएंगे। इन लोगों ने जो है मूवी देखी है, मैंने भी देखी है, बट फिर से लगा दी देखने के लिए। तो अब इस मूवी को एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अब जब ब्रेकफास्ट खाएँगे उस टाइम पर। मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू का परांठा, होममेड आम का अचार, मिर्ची का अचार और गाजर का अचार। मैंने टेस्ट किया, बहुत टेस्टी है। साथ में मूवी, जिंदगी हो तो ऐसी, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बेड पे खाना आ रहा है और सामने मूवी लगी हो, आराम से एंजॉय करो। सच बताओ तो मैंने आज तक इतना टेस्टी पराठा कभी नहीं खाया। मैं आप लोग सोच रहा हूँ कि मैं इसका ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। इतना टेस्टी पराठा मैंने आज तक कभी नहीं खाया और अचार भी बहुत टेस्टी है। इतना अच्छा परांठा मैंने आज तक छुरनी में भी नहीं खाया, जो वहाँ पे फेमस परांठा मिलता है वो भी इतना टेस्टी नहीं टेस्टी परांठा ये वाला है। ऐसे ऐसे परांठे तो मैं 4-5 खा सकता हूँ, वैसे मैं 2 ज़्यादा नहीं खाऊँगा। मैंने जो है 2 परांठे खा लिए, अब तीसरा खाने वाला हूँ। मेरा पेट जो है फुल हो गया है, बट परांठे इतने टेस्टी बने हैं कि मैं टेस्ट में तीसरा खाने वाला हूँ। और आम का अचार बहुत टेस्टी है। जी अभी जो टाइम जो है दिन के 2 बज गए हैं और मैं कल शाम को एक बात बताता हूँ, शाम को आ गया हूँ मैं 6 कुछ बजे और मैं कल से इसी रूम में हूँ। इस रूम से मैं अभी तक बाहर भी नहीं गया हूँ।
एसी लगा है अपना, आराम से बैठा हूँ। इस तरफ को यहीं पे वॉशरूम भी है, खाना यहीं पे आ रहा बेड पे। तो मतलब मैं कल से इस रूम से बाहर तक नहीं निकला हूँ, मतलब कुछ भी नहीं। और खा खा के मेरी तोत्ती हो गई अब तो यहाँ पर। दीदी फिर से क्या मंगवाया आपने? मेरी तोत्ती हो गई खा खा के अब। इतना भी क्या खाना, मतलब इतना तो मैंने अभी सुबह के 3 परांठे खाए हैं मैंने तो। नूडल्स, मंचूरियन। मेरे पेट ना बिल्कुल भी जगह नहीं है इस टाइम पे खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा तो है। खा खा के ना अति हो गई है मेरी तो यहाँ पे, यहाँ तक आ गया खाना मेरे अब। और जो मैंने सुबह के 3 परांठे खाए थे ना, अभी तक मेरे वही डाइजेस्ट नहीं हुए। कहाँ से डाइजेस्ट होंगे, बैठ बैठ कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। और सुबह से 3rd मूवी लगा दी है, 8:30 का मूवी देखने बैठे हैं, तो अब 3री मूवी लग पड़ी है हमारी। 2 देख लिए, 3री लगी है। अब खाते हैं इसको भी। ये तो खा ही रहे, इससे पहले दीदी ने जो है जूस बनाया था, मिक्स फ्रूट जूस, वो भी खा पी लिया है। काजू बादाम रखे हैं वो भी खा लिए, तो कहाँ जैसे जगह होगी खाने के लिए। बट इनको फिर भी भूख लग रही है दीदी को, मतलब मैं दीदी को बोल रहा हूँ कि दीदी आप इतना खाने वाले कब से हो गए। बोलते हैं शादी के बाद से मैं भी ऐसे खाने खाने सब लोग यहाँ पे खाते हैं, तो ये भी मतलब इन साथ रहते रहते वैसे ही हो गए कि खाओ थोड़ी थोड़ी देर में, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। बट हम लोग इतनी आदत होती नहीं है खाने की कि पूरे दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो। मतलब यहाँ पे जब तक 2-3 दिन हो तब तक मतलब मैं खाते खाते मेरा तो पेट इतना है ना, इतना हो जाएगा देखना। मंचूरियन है, चिली चीज, चिली पनीर है, चिली पनीर, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, चिली चीज पनीर, मंचूरियन, पानी, कोल्ड ड्रिंक से पेट भर जाएगा। अब देख रहे हैं मूवी पंजाबी, बाजरे दा सिट्टा सिट्टा सुट्टा जो भी था वो देख रहे हैं। घर पर जो है हम सिर्फ 3 लोग ही है, मैं हूँ, दीदी है और जीजू की सिस्टर है। जीजू जो है अपने घर गए हैं, उना को जब छुट्टी थी तो कुछ काम था उन्हें वहाँ पे, तो वो वहाँ गए। हम लोग चंडीगढ़ में ही हैं, तो वो कल संडे या मंडे तक आएंगे। मुझे इसको मतलब इस खाने को देख के अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे खाऊंगा अभी मैं। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकला हूँ कल रात से। सोया भी इसी रूम में था, एसी के पास आराम से। मतलब अभी तक मैंने दीदी के और कोई भी कमरे नहीं देखे है। मैं दीदी के घर में फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, मैं इस रूम से जैसे ही मैं कल अंदर आया सीधे इसी रूम में आया और इसी रूम में बैठा हूँ। कहीं गया ही नहीं ना, मेरे उठने का मन हुआ क्योंकि रात को भी 3 मूवी देखने बैठा था, तब मतलब इंटरेस्ट बन गया मूवी देखने में, फिर उठने का मन ही नहीं किया। और सुबह से वैसे ही चला है कि बस मूवी देख रहे हैं। फिर बाहर कहाँ जाना, बाहर गर्मी भी है। दीदी बोलती कि थोड़ा बाहर देख ले, बाहर देखता हूँ बाहर दिखाता हूँ आप, थोड़ा सा होम टूर लूँगा दीदी घर का। इतना सारा हक्का नूडल्स है, कढ़ाई भर गई पूरी, हमने इसको इससे निकाल दिया। आपको घर दीदी को थोड़ा सा होम टूर देता हूँ घर का, बैक कैमरे से देता हूँ। हॉल, चलो जी चलो। ये वो रूम है जिस मैंने पूरा दिन काटा है। अच्छा एक रूम यहाँ पे भी है। अच्छा यहाँ पे आपने मंदिर शिफ्ट किया है, मंदिर तो काफी अच्छा है। मंदिर का मतलब पूरा अच्छा है ये, वाह। हमारे पास एक फोटो लटका देते हैं, ये प्रॉपर है पूरा मतलब मंदिर। हाँ ये पूरा दिख रहा है ना मंदिर, काफी अच्छा है ये तो, अच्छा है। शाम के टाइम जो तो अच्छा। वॉशरूम सब रूम के साथ अटैच है, ये बढ़िया है सबके साथ है ना। इधर का वॉशरूम, हाँ मेरा सारी है, सारी किचन आपका, किचन बड़ा है नहीं, किचन पर बड़ा है। चलो बर्तन में खा पी के सारे बर्तन डाले, हाँ
अच्छा है, मैं तभी देख रहा हूँ कल से इतना ही है इतना ही पर अच्छा है। फ्रिज है। हाँ फ्रिज लगाया किसने? जीजू ने। अच्छा अच्छा हाँ लग ही रहा है इधर कुछ है नहीं। ये वेनेजुएला मलेशिया हाँ ये तो काफ़ी अच्छे है बाहर को बालकनी बैक साइड। हाँ जी तो मैंने आपको जो दीदी के रूम का घर का थोड़ा सा टूर दिया था, मतलब जिस फ्लोर पर ये रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे को जो है ग्राउंड फ्लोर भी है उसमें भी रूम्स वगैरह है और ऊपर को टेरेस है। मैं भी जस्ट नहा के आया हूँ, हम लोग जा रहे हैं घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं वो आपको अगले ब्लॉग पता चलेगा, अगले ब्लॉग में पता चलेगा, इस ब्लॉग में नहीं बताऊँगा, वो आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो अगले ब्लॉग के लिए मुझे ये वाला ब्लॉग एंड करना पड़ेगा, तो मैं इस ब्लॉग एंड यहीं पे कर लेता हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। मैं तैयार हो जाता हूँ।